my viewers, and today we are going to discuss translation. As you know very well, protein synthesis is a complex process. It consists of two steps. In the first step, DNA copies its genetic information in the form of single stranded molecules, that is RNA, through the process transcription. And in the second step, the information of RNA is going to convert into protein, and this process is known as translation. Translation means the message of mRNA is converted into the message of protein in form of amino acid sequence. Translation means conversion of one language into another language. Here the language of mRNA is in the form of ribonucleotides, and by this process, this information is converted into amino acid sequence. That is, one language is converted into another language. The language of ribonucleotide is changing into language of amino acid sequence. The major components of translation are mRNA, messenger RNA, transfer RNA, ribosomes, and many translation factors are required for this process. Why mRNA is formed? First of all, we will study why mRNA is formed. What is the necessity of mRNA? mRNA means messenger RNA. Messenger RNA carries the message of DNA to the site of protein synthesis. DNA is present in the nucleus. Genetic information is present in the nucleus. और कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है जहां डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन खुद लेकर राइबोसोम तक आता हो। तो डीएनए को जरूरत होती है एक ऐसे मैसेंजर की जो डीएनए के मैसेज को न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक कैरी करे। तो वो इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है एक मैसेंजर, दैट इज आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यहाँ से न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है वन स्ट्रैंड पर, और फिर उसको लेकर आता है राइबोसोम्स तक, जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए सब डबल स्ट्रैंडेड है और मैसेंजर आरएनए पर जो कॉपी इंफॉर्मेशन होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा पहले हम स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में आरएनए जिस फॉर्म में यहाँ पर बनता है मैसेंजर आरएनए, वो उसी फॉर्म में न्यूक्लियस से होता हुआ, जो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो वो डायरेक्ट राइबोसोम तक पहुंच जाता है बिना उसको ट्रांसपोर्ट किए। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर आरएनए उसी फॉर्म में बाहर नहीं आता है, वहां उसकी एडिटिंग होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, या इसी को कहा जाता है आरएनए प्रोसेसिंग। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसा आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना वो उसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, उसी फॉर्म में राइबोसोम तक पहुंचता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसको कहा जाता है आरएनए एडिटिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, और फिर पहुंचता है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट राइबोसोम तक। इस प्रोसेस में इसमें पॉली ए एडेनिन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं टेल साइट पर, और एक कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं हेड साइट पर जिसे बोलते हैं कैपिंग। तो और इसमें बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है इंट्रॉन्स। तो तीन काम हुए, वन साइड कैपिंग, वन साइड टेल पर पॉली ए मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, और बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इंट्रॉन्स, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और इस तरह से जो आरएनए बचता है, या कहते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस बचती है, दैट इज नोन एज मैच्योर आरएनए। दिस इज एमआरएनए मॉलिक्यूल, वन एंड इज फिफ्थ एंड, एंड दिस इज थर्ड एंड। एट द फिफ्थ एंड लीडर सीक्वेंस इज प्रेजेंट, दिस इज लीडर सीक्वेंस। ये वो साइट है जहां पर राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आकर अटैच होगी, सो दिस इज कॉल्ड लीडर सीक्वेंस। और इसके बाद है, दिस इज स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट पर जो पहला कोडॉन होगा, दैट इज ऑलवेज एयूजी। एयूजी इज आल्सो नोन एज इनि
इनिशिएशन कोडॉन, इट इज ए स्टार्ट सिग्नल. लेकिन कभी कभी एयूजी के जगह पर जीयूजी या यूयूजी भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस एयूजी इज द स्टार्ट सिग्नल. आफ्टर दैट दिस सीक्वेंस इज कोडिंग रीजन, दिस कंप्लीट रीजन इज कोडिंग रीजन, एंड दिस इज टर्मिनेशन कोडॉन. और टर्मिनेशन कोडॉन तीन तरह से हो सकते हैं, तीन तरह के, UAA, UAG एंड UGA. These termination codons are also known as stop signals. क्योंकि ये सिग्नल देते हैं कि अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. जैसे ही इन तीनों कोडॉन्स में से कोई कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा तभी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का एड होना रुक जाएगा. एंड द लास्ट वन इज ट्रेलर, इट इज ऑल्सो नॉन ट्रांसलेटेड पार्ट ऑफ द mRNA. तो दो इसमें नॉन ट्रांसलेटेड पार्ट हो गए, लीडर सीक्वेंस एंड ट्रेलर. इसके बाद पहला कोडॉन एयूजी स्टार्ट सिग्नल, लास्ट कोडॉन स्टॉप सिग्नल, एंड द मिडिल पार्ट इज कोडिंग रीजन. प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मींस एक एमआरएनए मॉलिक्यूल से कई पॉलीपेप्टाइड चेन स्पेसिफाई हो सकती है. सो इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक. जबकि यूकैरियोट्स में वन जीन वन एंजाइम थ्योरी पढ़ चुके हैं आप, इसका मतलब हुआ कि एक सिस्ट्रॉन एक जीन एक प्रोटीन को स्पेसिफाई करता है, इट मींस इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक. आप देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस शुरू होता है. सबसे पहले देखिए एमआरएनए का ये फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड है. तो फिफ्थ एंड पर सबसे पहले एक अपस्ट्रीम पर बैक्टीरिया में कंसेंसस हेक्सामर सीक्वेंस होती है जिसे बोलते हैं शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस. तो शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस स्टार सिग्नल से लगभग सात बेस पहले एक हेक्सामर कंसेंसस सीक्वेंस है जिसे शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस कहा जाता है. इट इज प्यूरीन रिच सीक्वेंस और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस सीक्वेंस इज AGG AGG. दिस इज 1 2 3 4 5 6 बेसिस की बनी हुई एक हेक्सामर सीक्वेंस है जो ठीक स्टार्ट सिग्नल से सेवन बेस अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है. इस कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रेजेंट होता है, तो वो आपको बताते हैं. राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि राइबोसोम हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस से पहले डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि स्मॉलर यूनिट और बिगर यूनिट अलग अलग पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में. और जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तभी ये यूनिट्स ज्वाइन करते हैं. तो सबसे पहले जो स्मॉलर सब यूनिट है वो फिफ्थ एंड पर आकर अटैच होता है. तो जब वो अटैच होता है तो राइबोसोम के 16S पार्ट में, आरआरएनए के 16S पार्ट में थर्ड एंड पर बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, यानी AGG AGG के कॉम्प्लीमेंट्री UCC UCC. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सीक्वेंस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल. तो यहां पर जो सीक्वेंस है और राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट के 16S पार्ट में जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है और बॉन्ड बनाकर इस तरह से वो उसके अटैचमेंट में हेल्प करती है. तो इस तरह से शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस राइबोसोम के बाइंडिंग में हेल्प करती है mRNA से. नाउ वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन विल बी स्टडीड इन थ्री हेडिंग्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. During initiation, how initiation complex is formed, how amino acids join together through peptide bond and dipeptide is formed. During elongation, how polypeptide chain elongates, and in termination, how process gets completed. In the first step, we will start initiation. Initiation mein sabse pehle hai activation of amino acids. More than 100 amino acids are known. सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स मालूम है हमको, लेकिन केवल 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस
सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो वो अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने से पहले चार्ज होते हैं. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम टुगेदर फॉर्म AA AMP E complex. This complex contains AA with asterisk mark. This asterisk mark represent now this amino acid get charged. So this is called charging of amino acids. और इसके लिए energy लेता है ये ATP से. And this is the enzyme, most important enzyme, amino acyl synthetase enzyme. And this enzyme is very specific for a particular amino acid. There are 20 amino acids, so there will be 20 different type of amino acyl synthetase enzyme. For every amino acids, there will be a specific amino acyl synthetase enzyme. So after this process, transfer of activated amino acid to tRNA. tRNA adapter molecules है, transfer RNA है, जो activated amino acid को ribosome तक ले जाने का काम करते हैं. और इसीलिए इनको कहा जाता है एडाप्टर मॉलिक्यूल्स. टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर आप इसको देखें तो ये भी बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करता है. इसमें एक आर्म होती है जिसे बोलते हैं एंटीकोडॉन आर्म. इस एंटीकोडॉन आर्म में यहां तीन एंटीकोडॉन्स होते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेसिस ऑफ एमआरएनए. यानी mRNA पर अगर फर्स्ट कोडॉन है AUG तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री UAC जिस भी tRNA पर प्रेजेंट होगा UAC वही फर्स्ट अमीनो एसिड को कैरी करेगा. तो इस तरह से एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ले जाने का काम करते हैं tRNA. और वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड AMPE कॉम्प्लेक्स कंबाइंस विद tRNA एंड दिस amino acid is transferred to this tRNA molecule, and in this process AMP is released plus enzyme comes. In the next step, formation of 30S mRNA IF3 complex is formed. 30S mRNA IF3 complex. This is इनिशिएशन फैक्टर 3. इनिशिएशन फैक्टर तीन तरह के प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, IF1, IF2 एंड IF3. IF1, IF2 एंड IF3. तो सबसे पहले यूज होता है IF3, और ये IF3 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जॉइंस विद mRNA. mRNA हमेशा फिफ्थ एंड से अटैच होगा, ऑलवेज अटैचेस थ्रू इट्स फिफ्थ एंड इन दिस वे, एंड दिस इज फैसिलिटेटेड बाय IF3. IF3 फैक्टर की प्रेजेंस में स्मॉलर यूनिट के साथ इस कंडीशन में बिगर यूनिट अटैच नहीं होते हैं, या कह सकते हैं आप कि ये इसको mRNA से अटैच करने में और बिगर यूनिट से अलग करने में हेल्प करता है. इसको IF1 और IF2 स्टेबलाइज करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है दैट इज IF3. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने में IF3 और 30S सब यूनिट अपने आप को इस तरह से mRNA के साथ अटैच करते हैं कि जो फर्स्ट कोडॉन है इट इज ऑलवेज एट पी साइट. इसमें तीन साइट्स रिकॉग्नाइज की गई है, ए साइट अमीनो एसाइल साइट, पी साइट पेप्टिडाइल साइट एंड ई साइट एग्जिट साइट. ए फॉर अमीनो एसाइल साइट, पी फॉर पेप्टिडाइल साइट एंड ई फॉर एग्जिट साइट. इसके बाद जो बिगर सब यूनिट है ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है और कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है. इस प्रोसेस में एक सो IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3, 30S सब यूनिट एंड mRNA मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच होते हैं कि mRNA मॉलिक्यूल का जो पहला कोडॉन है दैट इज AUG
ये हमेशा प्रेजेंट होगा पी साइड पर, नेवर एट ए साइड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहला कोडॉन हमेशा एयूजी प्रेजेंट होगा एट द पी साइड, नॉट एट द ए साइड। और इसके बाद बिगर सब यूनिट अटैच होती है, 50S सब यूनिट, 30S एंड दिस इज 50S सब यूनिट। इसमें तीन साइड रिकॉग्नाइज की गई है, ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। ए फॉर अमीनो एसिड साइड, पहले अमीनो एसिड को छोड़कर बाकी सारे अमीनो एसिड्स एंटर होते हैं ए साइड से, एक्सेप्ट फर्स्ट अमीनो एसिड दैट इज फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन। यानी पहला अमीनो एसिड जो कोड करेगा एयूजी, ये है फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन। एयूजी कोड्स फॉर मेथियोनिन, और मेथियोनिन का जो एंड टर्मिनल है वहां पर फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है, इसीलिए जो अमीनो एसिड बनते हैं वो हमेशा एंड टर्मिनल से स्टार्ट होकर सी टर्मिनल पर एंड होते हैं। यानी एंड से शुरू होगा, एक सीक्वेंस में बनेगा, स्टार्ट फ्रॉम एंड टर्मिनल एंड एंड्स विद द सी टर्मिनल, और उसको इंश्योर करता है फॉर्माइलेटेड ग्रुप। वो एक तरफ से उसको स्क्रीन कर देता है और हमेशा एक ही डायरेक्शन में अमीनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज स्मॉलर सब यूनिट 30S, दिस इज बिगर सब यूनिट, दिस इज mRNA एंड दिस इज IF3 फैक्टर। जिस समय ये बिगर सब यूनिट अटैच होता है, एक GTP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है और इसको जुड़ने में जो एनर्जी की जरूरत होती है, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय GTP मॉलिक्यूल। और हाइड्रोलाइज होने के बाद यहां से IF1 के अलावा IF2 एंड IF3 ये दोनों मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाते हैं। IF1 कहां रहा? IF1 ए साइट को ब्लॉक करता है, जिससे कि पहला अमीनो एसिड जो बचेस फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन वो ए साइट पर आकर अटैच ना हो। तो IF1 कहां ब्लॉक कर रहा है? ए साइट पर। पी साइट पर प्रेजेंट है AUG, जहां पर पहुंच गया है फॉर्मिलेटेड मेथियोनिन ग्रुप। नाउ हाउ इलॉन्गेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद अब नेक्स्ट कोडॉन है UUU। इट कोड्स फॉर सेकेंड अमीनो एसिड्स, तो सेकेंड अमीनो एसिड आएगा ए साइट पर, केवल फर्स्ट अमीनो एसिड आता है पी पर, बाकी सभी अमीनो एसिड्स ऑक्यूपाई करते हैं ए साइट को। और इसके साथ साथ ये पूरा मूव करता है राइबोसोम मूव करता जाता है mRNA पर, या आप कह सकते हैं mRNA मूव कर रहा है। देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट। राइबोसोम्स का जो क्लैफ्ट होता है वो इस तरह से होता है, जिसके बीच में ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होती है, बल्कि कुछ इस तरह से क्लैफ्ट होता है, जिस क्लैफ्ट के बीच में से mRNA रन करता है। तो ये हमेशा राइबोसोम इस ओर मूव करता जाएगा, और मूव करने के साथ साथ पूरे तीन न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। आप यहाँ पर आने के बाद जो पूरा mRNA मॉलिक्यूल है वो शिफ्ट हो गया है पूरा एक कोडॉन। यानी पहले AUG पी पोजीशन पर था, नाउ इट इज एट ई साइट, एंड UUU ये पी साइट पर आ गया, और जो बाहर था AAG वो आ गया AAG, ये हो गया ए साइट पर। और जिस समय ये मूव करता है, तो फिर एक GTP मॉलिक्यूल का रोल होता है। दिस GTP मॉलिक्यूल अगेन हाइड्रोलाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलोंगेशन फैक्टर। इलोंगेशन फैक्टर दो टाइप के होते हैं, टेम्परेचर अनस्टेबल एंड इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल। और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट चलती रहती है, अनस्टेबल चेंजेस इनटू स्टेबल फॉर्म एंड स्टेबल चेंजेस इनटू अनस्टेबल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ
जीटीपी मॉलिक्यूल और इस तरह से जो एनर्जी मिलती है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग द एमआरएनए मॉलिक्यूल. यहाँ पर जब ये मूव करता है तब ट्रांसलोकेशन के बाद आफ्टर ट्रांसलोकेशन इस तरह से पूरा शिफ्ट हो गया है. ट्रांसलोकेशन के बाद एयूजी जो पहले बी साइट पर था बी साइट पर आ गया है और पूरा एक एक कोडॉन पूरा शिफ्ट हो गया है. तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर एक एंजाइम का रोल है पेप्टिडाइड ट्रांसफेज. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पेप्टिडाइड ट्रांसफेज एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द बिगर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम. This enzyme is present in bigger subunit of ribosome and this enzyme helps in the peptide bond formation. How peptide bond form? यहाँ पर जो formylated methionine है वो ये bond यहाँ से टूटता है tRNA और amino acid के बीच का bond और ये पूरा shift हो जाता है यहाँ पर इस तरह से. इसे आप one कह सकते हैं या formylated methionine और in this way a dipeptide is formed at the P site. तो हमेशा peptide bond का formation होगा P site पर. ये इस तरह से shift होगा यहाँ से bond टूटेगा और पूरा first amino acid shift होने के बाद पहुंच जाएगा 2 के साथ attach होगा और एक dipeptide का formation होगा. इस तरह से पहला peptide bond बन जाता है. Now chain elongation takes place. चेन इलॉन्गेशन में वो सारे इवेंट्स आते हैं जहाँ पहले अमीनो एसिड के बाद जुड़ने के बाद बाकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना चलता है शुरू होता है और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू रहती है. आप देखेंगे हर बार अमीनो एसिड ए साइट से एंटर होगा पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा और ई साइट पर जो वेकेंट टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो डी साइट से अलग होकर बाहर जाता जाएगा. इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी और तब तक कंटिन्यूस रहेगी प्रोसेस जब तक कि कोई स्टॉप सिग्नल ना आ जाए. तीन स्टॉप सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं UAA, UAG एंड UGA. तो टर्मिनेशन बहुत सिंपल है. जैसे ही ए साइट के पास कोई भी स्टॉप सिग्नल आता है तो कुछ रिलीज फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं. रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2. प्रोकैरियोट्स में दो तरह के रिलीज फैक्टर होते हैं RF1 एंड RF2. RF1 रिकॉग्नाइज करता है UAA एंड UAG को और RF2 रिकॉग्नाइज करता है UAA एंड UGA को. और ये रिकॉग्नाइज करने के बाद जैसे ही ए साइट पर पहुंचते हैं इट प्रोवाइड्स ए सिग्नल दैट नो अमीनो एसिड इज एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन and at the same time the polypeptide chain gets cut off from tRNA molecule and it is released and the both units of ribosome get dissociated and polypeptide chain is formed and the polypeptide chain is released both unit of ribosome get dissociated mRNA is also dissociated and in this way protein synthesis is complete. Thanks for watching. Hit the like button if you like my video and subscribe my channel. Thank you.